गोकुलपुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग वहां की पिछड़ी हुई जिंदगी जी रहे थे। जहां हर गांव शहर में तब्दील हो रहा था, वहीं पर किसी भी सरकार ने गोकुलपुर पर ध्यान ही नहीं दिया। ना अच्छे सड़क, ना ही कोई ट्रेन की सहूलत थी वहां। उसी गांव में संजय नाम का एक आदमी रहता था, जिसके साथ उसकी बीवी रहती थी जो पेट से थी। गांव में हॉस्पिटल न होने की वजह से संजय को मीना को हमेशा अपने बैलगाड़ी में दूसरे गांव ले जाना पड़ता था, जिससे मीना को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। मीना, अब तो वक्त के साथ बैलगाड़ी में जाना और आना बहुत मुश्किल हो गई है। अगर एक ट्रेन की सहूलत इस गांव में होती तो एक गांव से दूसरे गांव में जाना कितना आसान होता, मगर कोई सरकार हमारे गांव की तरफ देखती ही नहीं है। मैंने सरकार को इस मामले पर कई सारे लिफाफे भेजे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक कोई भी जवाब नहीं भेजा। आज कस्बे में इस मामले को लेकर एक बैठक बनाई गई है। तुम आराम करो, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ना सरकार ढंग का रास्ता बना रही है, ना ही ट्रेन की कोई सुविधा दे रही है। इतने सारे लिफाफे सरकार को भेजने के बाद भी एक भी जवाब वहां से नहीं आया। उन्हीं गांव वालों के बीच रमेश नाम का एक आदमी बैठा था, जो कि गांव का मुखिया बनना चाहता था। अरे कोई बात नहीं मुखिया जी, हम एक कस्बे से दूसरे कस्बे पहलो से भी तो जा सकते हैं। हमें ट्रेन के रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है मुखिया जी, मेरी बीवी मीना गर्भवती है और अस्पताल दूसरे कस्बे में है, और वहाँ जाने के लिए पहाड़ों वाले रास्ते से जाना पड़ता है, और उसमें बहुत खतरा है, और साथ ही साथ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तुम्हारी बैल गाड़ी ही खराब होगी, इसीलिए तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही होगी। नहीं रमेश, संजय ठीक कह रहा है, कस्बे के लोगों को पहाड़ के रास्ते से जाने में तकलीफ तो होती है। ये सुनकर कि मुखिया संजय का साथ दे रहा है, रमेश आग बबूला हो गया। फिर संजय साहब, अब ये भी बता दीजिए कि इस मसले से हम निकले कैसे। हम सारे कस्बे वासियों को मिलकर सरकार को लिफाफा लिखना चाहिए, फिर उन्हें हमारे खत का जवाब देना ही पड़ेगा। भेजते रहो खत, इतने खत हम पहले ही भेज चुके हैं, उनका कोई जवाब आया नहीं। मुझे तो लगता है कि सरकार हमारे खतों को रद्दी में बेचकर बहुत सारे पैसा कमा रही है। बात तो ये भी है संजय, कितने खत हम पहले ही लिख चुके हैं, उनका भी अब तक कोई जवाब नहीं आया। ये सुनकर संजय मायूस हो गया। थोड़ी ही देर में सब अपने अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर पहुंचा, तभी उसकी बीवी ने कहा, सुनिए जी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मुझे और दवाइयों की जरूरत है, लेकिन इस गांव में कहीं भी ये दवाइयाँ नहीं मिलती। तुम आराम करो मीना, मैं अभी अपनी बैलगाड़ी से दूसरे कस्बे जाकर दवाइयाँ लेकर आता हूँ। संजय अपनी बैलगाड़ी में बैठता है और तुरंत दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाता है। कुछ वक्त बाद उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलता है, जिसके हाथ में पाइप से बनी हुई एक छड़ी होती है। वो बुजुर्ग आदमी पहाड़ों के रास्ते से दूसरे गांव जा रहा होता है। संजय उसे देखकर कहता है, चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं, आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ से दूसरा कस्बा बहुत दूरी पर है, आ जाइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं चाचा जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आइए मेरे बैलगाड़ी पर बैठिए। वो बुजुर्ग आदमी संजय की गाड़ी में बैठ जाता है। वो बुजुर्ग आदमी संजय का मायूस चेहरा देखकर पूछने लगता है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई फिक्र सता रही है? अब क्या बताऊं चाचा जी, मेरे कस्बे में बहुत बड़ी दिक्कत आई है। हमारे कस्बे में ना ही अस्पताल है और ना ही कोई सुविधा। हमें हर काम के लिए दूसरे कस्बे जाना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने सरकार को ट्रेन के लिए इतने सारे खत लिखे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी खत का जवाब नहीं आया। ऊपर से हमेशा एक डर सर पर रहता है। अभी मेरी बीवी गर्भवती है, उसे हर महीने अस्पताल ले जाना और लाना पड़ता है। उसके साथ कोई गलत ना हो जाए, बस एक ट्रेन की सुविधा कस्बे में हो जाती तो सब ठीक हो जाता। संजय ने सारी बात उस बुजुर्ग आदमी को बताई। कुछ ही वक्त में
वो लोग दूसरे गांव पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर ये तुम मेरी पाइप की छड़ी रख लो। ये कोई ऐसी वैसी पाइप नहीं है, ये पाइप मुझे एक संत ने मेरी ईमानदारी को देख कर दिया था। इस पाइप को तुम जमीन पर गाड़ दो, अगले दिन ये तुम्हें कई सारे पाइप्स दे देगा, जिससे तुम जो चाहे वो बना सकोगे, और ये तुम्हारी कस्बे की हिफाजत भी करेगा। ये सुनकर संजय को यकीन नहीं हुआ, फिर भी संजय ने वो पाइप ले ली। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। संजय दवाई लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, ये लो मीना, दवाई खा लो। मीना संजय के हाथ में पाइप देखकर पूछती है, ये आपके हाथ में किस किस्म का पाइप है जी? ये पाइप मुझे एक बूढ़े आदमी ने दी है। संजय अपनी बीवी मीना को सारी बात बताता है जो उसके साथ घटी थी, जिस पर मीना कहती है, आप आज ही इस पाइप को जमीन के नीचे गाड़ दीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये पाइप जादुई है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर ये बात सच हुई तो गांव का कल्याण हो जाएगा। ये सुनकर संजय पाइप को जमीन में गाड़ देता है, और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वहाँ एक दरख्त पर कई सारे पाइप लगे होते हैं, जिसे देखकर संजय हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये तो सच में जादुई पाइप है, मैं अभी जाकर मुखिया और सारे कस्बे वालों को बुलाकर लाता हूँ। संजय मुखिया और गांव वालों को बुलाता है और सारी बात बताता है, जिस पर मुखिया कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मगर हम इतने सारे पाइप्स का करेंगे क्या? ये पाइप कोई ऐसी वैसी पाइप नहीं है, इस पाइप से हम जो भी बनाएंगे वो चीज बन जाएगी। लेकिन अब इससे क्या बनाने वाले हैं? हम सब मिलकर इस पाइप से एक ट्रेन बनाएंगे जो हमें दूसरे कस्बे से जोड़कर रखेगी। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए और ट्रेन बनाने लगे। कुछ ही वक्त बाद ट्रेन बनकर तैयार हो गई। वाह, इस ट्रेन के बाद अब हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, सामान लाना ले जाना सब आसान हो जाएगा और इस कस्बे की प्रगति भी होगी। ठीक कहा आपने। ये देखकर रमेश को जरा भी अच्छा नहीं लगा और वो हंसते हुए कहता है, ये देखो पाइप से ट्रेन बनाई है, कभी तुमने सुना है पाइप के ट्रेन के बारे में? ये ट्रेन चलेगी ना? वो तो जब हम इसमें बैठेंगे तब पता चल जाएगा रमेश। संजय सारे गांव वालों को बुलाकर कहता है, आओ सब अब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। जिस पर रमेश कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा इस ट्रेन में, ये चलने वाली नहीं है, पता चला ये टूट कर हम पर ही गिर गई। रमेश ने लोगों को डराने की कोशिश की और कई सारे लोगों ने ट्रेन में पहले बैठने से मना कर दिया। नहीं नहीं मैं भी नहीं बैठूंगा इसमें। हाँ मैं भी नहीं बैठूंगा, पता नहीं कब कौन सी दिक्कत आ जाए। ये सुनकर मुखिया रमेश पर गुस्सा होते हुए बोला, अगर तुम्हें नहीं बैठना तो मत बैठो, कस्बे वालों को डरा कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? हमेशा सत्ता हासिल करने के पीछे पड़े रहते हो, पर कभी कभी अपने दिल से इस कस्बे के बारे में सोचा करो। जाने दीजिए मुखिया जी, हम ट्रेन में बैठते हैं, देखते हैं कि ये रमेश सही है या फिर मैं। जैसे ही लोग ट्रेन में बैठते हैं वैसे ही ट्रेन चलने लगती है और सारे लोग खुशी से भर जाते हैं। फिर सारा गांव ट्रेन का इस्तेमाल करता है और ये सब देखकर रमेश एक बार फिर आग बबूला हो जाता है। ये ट्रेन जब से आई है तब से सभी कस्बे वाले इस मुखिया और संजय के तारीफों की पुल बांध रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी इस कस्बे का सरपंच नहीं बन पाऊंगा। रमेश कुछ गांव के लोगों को जमा करता है और उनसे कहता है, मैं इस ट्रेन को अपने कस्बे में किसी भी हाल में चलने नहीं दे सकता। हम आज ही रात जब सब सो जाएंगे इस जादुई पाप की ट्रेन पर तेल डालकर आग लगा देंगे, और फिर जब मैं मुखिया बनूंगा तब तुम सबको एक अच्छी नौकरी दे दूंगा। ये सुनकर वो लोग रमेश के साथ हो जाते हैं
और जैसे ही रात होती है वैसे ही रमेश और वो लोग ट्रेन में तेल लेकर घुसते हैं। और फिर रमेश कहता है, बहुत पाइप की ट्रेन कर रहे थे ना, आज इसका काम यही तमाम कर दूंगा। मगर जैसे ही रमेश और वो लोग पाइप की ट्रेन में आग लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ट्रेन के कुछ पाइप्स जादुई तरीके से बाहर आकर उन्हें पीटने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये कैसे, ये तो नामुमकिन है। फिर वो पाइप ट्रेन में ही जेल बनाकर उन्हें कैद कर लेती है। और जब अगली सुबह होती है तो संजय और मुखिया ट्रेन में चढ़ते हैं और रमेश को कैद देखते हैं। अरे ये क्या, तुम और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं समझ गया मुखिया जी, इनके हाथों में तेल है, जरूर ये लोग इस ट्रेन को नुकसान पहुँचाने आए होंगे। तब मुखिया रमेश से पूछता है, क्या ये बात सच है रमेश? नहीं ये बात सच नहीं है, मैं तो बस सिर्फ इस ट्रेन में बैठने आया था। जैसे ही रमेश ये झूठ बोलता है वैसे ही एक पाइप उसके सिर पर पड़ती है। नहीं ये सच नहीं है, वरना ये पाइप की ट्रेन ऐसा नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, और संजय ये सत्ता की लालच में अंधा हो गया था और इस ट्रेन को जलाने वाला था, मुझे मेरे किए पर पछतावा है, मैं फिर ऐसा कुछ कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर गाँव वाले चिल्ला कर कहने लगते हैं, गांव से निकाल दो इसे। रमेश तुम आज और इसी वक्त इस कस्बे से निकाले जाते हो। मुखिया जी मुझे लगता है कि हमें रमेश को एक और मौका देना चाहिए, उसे उसके किए पर पछतावा है। ये सुनकर मुखिया कहता है, अगर तुम कहते हो तो रमेश को एक मौका और देते हैं, पर ध्यान रहे रमेश, अगर ऐसी गलती वापस हुई तो तुम इस कस्बे से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिए जाओगे। और ये सुनकर रमेश सबसे माफी मांगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया संजय। कोई बात नहीं रमेश, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, मैं बस इसी बात से खुश हूँ।